हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाम 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों, हाल ही में सलमान खान ने बताया कि वो अभी टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर टाइगर 3 फिल्म आने वाली है और उस फिल्म का पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किया था। और दोस्तों, पोस्टर देखने के बाद तो बताया है फैंस भी बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं। और दोस्तों, वो वायर ऐप की फिल्म है और दोस्तों उस फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्रिटिक्स और दोस्तों फैंस को भी, क्योंकि वो फिल्म ही है जो जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। और दोस्तों, उसके बाद मैंने वीडियो बताया है कि 1971 फिल्म आएगी जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले विष्णुवर्धन और उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाला है करण जौहर। तो दोस्तों, समझदार लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन दोस्तों कई अनसमझदार लोग देखते हैं वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, 1971 फिल्म के अंदर सलमान खान आर्मी का रोल करते नजर आएंगे और दोस्तों उस फिल्म के अंदर उनका जो किरदार आर्मी का रहेगा, उस किरदार के लिए उन्होंने वेट लॉस भी किया है। उसके बाद कौन सी फिल्म आएगी? तो दोस्तों, किक 2, जिसका वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन दोस्तों, उस फिल्म के बाद तेरे नाम 2 फिल्म आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर सतीश कौशिक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दोस्तों उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तेरे नाम 2 20 साल के बाद आएगा। और दोस्तों, फिल्म के अंदर भी 20 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी। और दोस्तों, लीड रोल में हमें सलमान खान राधे का रोल करते नजर आएंगे। और दोस्तों, 20 साल पहले जो सलमान खान ने राधे का रोल किया था, वो रोल दिलो दिमाग में आज भी यंगस्टर के अंदर है। उनका जो लुक था, उनकी जो स्टाइल थी, दोस्तों उनका जो हेयर की स्टाइल थी, उनके बोलने का तरीका था और डायलॉग डिलीवरी, सॉन्ग जबरदस्त हिट हुए थे। और दोस्तों, कुछ उससे भी बेहतरीन डायलॉग और दोस्तों सॉन्ग हमें तेरे नाम 2 फिल्म को अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, डायरेक्शन की बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, सलमान खान और संजय लीला भंसाली की इंशाअल्लाह फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जी हाँ दोस्तों, तेरे नाम 2 फिल्म को डायरेक्शन दे सकते हैं संजय लीला भंसाली। वो दोस्तों आला दर्जे के डायरेक्टर है। उन्होंने सलमान खान के साथ हम दिल जीत चुके सनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने रामलीला, पद्मावत जैसी बढ़िया फिल्म बनाई है। और दोस्तों, जब भी ये जोड़ी आएगी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कामयाब करेगी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन के मामले में उनका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। और दोस्तों, एक्टिंग अगर उनसे सलमान खान करेंगे तो दोस्तों वो भी एक नंबर जोड़ी है। और दोस्तों, तभी रिकॉर्ड टूटेंगे और ज़बरदस्त रिकॉर्ड नए बनेंगे, तब 1000 करोड़ और उससे भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ से आप कितने खुश हैं? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।